के लिक्विड चीज के साथ वेजिटेबल्स नहीं है, मतलब बंदे ने सोच के बनाया ये कि भाई बंदे को अगर खाए ना हर बाइट के अंदर उसको टेस्ट आना चाहिए पिज्ज़ा का, स्वाद आना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया है ये पिज्ज़ा, बहुत बढ़िया। जैसे आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हमने नई तरह की चाय ट्राई करी है, समोसे ट्राई करे, ठीक है, और मतलब बहुत चीज़ें ट्राई करी। ऐसे ही तो ऐसे ही अब आज हम एक और नई यूनिक डिश ट्राई करने आए। ऐसे ही ना अरे क्या हाल है भाई, क्या हाल चाल सबका, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू देसी डॉलर। तो फिर देखते हैं क्या सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यार ये है पिज्जा इन अ जार, भाई साहब क्या मामला क्रेजी कर रखा है, पिज्जा को जार में डाल दिया यार भाई, नेक्स्ट लेवल चीजें कर दी। और ये है कलर्ड बर्गर, कलर्ड बर्गर तो ठीक है, लोगों ने बहुत देखे हैं हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे लोगों की वीडियोस में, आज हम ट्राई करेंगे कैसे हैं ये। अरे भाई साहब अंदर ब्रेड है, चीज है भाई, बहुत बढ़िया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, ये मज़ा आ गया। एग्जैक्ट पिज्ज़ा ही है, एग्जैक्ट पिज्ज़ा, बस फोक से खाओ स्पून से खाओ सच्चाई में क्रिएटिव डिश हो चुकी है। मतलब जार के अंदर हमने आज तक खाने मतलब ऑलमोस्ट जार के अंदर ना बेवरेजेस होती थी, डेजर्ट हो जाते थे, उन्होंने पिज्जा डाल दिया भाई, मतलब दिमाग ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई। इसमें कॉर्न, कैप्सिकम भाई, मतलब ये लगा लो सारी वेजेस हैं, सब कुछ है इसके अंदर, ये देखो मजा आ गया भाई। इसके ऊपर ना कपिल ये ना साथ में चिल्ली फ्लेक्स और वो सब की जरूरत भी नहीं है, ये नेचुरली बढ़िया नेचुरली बढ़िया ऐसे ही बहुत बढ़िया है। इसका नाम है इंडियाना जोन्स बर्गर्स, दो तीन तरह के हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स, इंडियाना जोन्स और एक दो और हैं, मतलब ऐसे ही नाम रखे हैं बढ़िया बढ़िया है। हमने लिए वेज पनीर पैटी, इसके अंदर ना पनीर की पैटी की है, बढ़िया पनीर का मोटा पीस, इतना मोटा पीस आ रखा है, मैं देख रहा हूँ, देखने में गजब लगा भाई। एक बात और भी बोली इन्होंने, क्या ये फिटनेस फ्रीक वालों के लिए है, हाँ भाई इतना पनीर डालेंगे तो फिटनेस फ्रीक ना होएगा वरना क्या होएगा, मोटा तो नहीं होएगा ये खा के भाई। इसके अंदर मशरूम्स भी है कपिल, मशरूम पनीर सॉर्टेड वेजिटेबल, मैं कह रहा हूँ टेस्ट लाजवाब है, लाजवाब लाजवाब यार। एक्चुअली ना बात ऐसी है, हम हैं देसी बर्गर खाने वाले, हमें चाहिए तली हुई चीज़ें सारी, बट मेरे को तो बढ़िया लगा, टेस्ट भी बहुत है, सबसे बढ़िया चीज़ है पनीर का पीस है जो, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। नॉर्मली मुझे लगा था कपिल कि कच्चा पनीर डाल दिया, मतलब मेहनत कम करिए आलसी है। मतलब बर्गर ही ठीक है, नॉर्मल है बर्गर, ऐसा नहीं है कि बर्गर खाने स्पेशल यहाँ आओगे तुम, हाँ ये जो चीज़ थी तुम्हारी डिज़ाइनरदार, ये खाने स्पेशल आ सकते हो, ज़रूर आना चाहिए मैं जाऊँ, ये खाने इतना वो नहीं है, मतलब आयो तो खा लो, सीधी सी बात है, बर्गर खा सकते हो, वो आउटस्टैंडिंग है। इसमें जार में लास्ट में इतना चीज़, इतनी वेजिटेबल्स, स्वाद आ गया, मतलब मुझे लगा था ऊपर ऊपर चीज़ होएगा, नीचे बीच में भी डाटी गया, लेकिन नीचे भाई वही भी चीज़ है। दिमाग में क्या आया था, जैसे पिज्ज़ा होता है ना, नीचे बेस फिर चीज़ फिर वेजेस, ये सोचा था, लेकिन ना हाँ मुझे भी लगा था कि ना इन्होंने ना जार के अंदर नीचे बेस कर दिया होगा, ऊपर थोड़ी सब्जियाँ चीज़ ये वो करके बर्फ कर दिया हो, लेकिन नीचे है लिक्विड चीज़। यार ये थी एक बहुत बढ़िया यूनिक डिश, ज़रूर ट्राई करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई डिश लेके, यूनिक और बढ़िया सी। तब तक के लिए खाओ पियो मौज लो ज़िंदगी में, खुश रहो हंसते रहो, टेंशन वेंशन में कुछ नहीं रखा है, और वीडियो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तुम देख रहे हो मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।